अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अक़वामे मूवमेंट के सारे धड़े एक ही पेज पर हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। बाकायदा तौर पर एक स्क्रिप्ट के तहत माहौल बना बना के आगे बढ़ा जा रहा है। कल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शख्स से मुलाकात हुई। मैं सफ़र में था और वो बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं वफाक में। उन्होंने इशारे दिए हैं कि एमक्यूएम के बहुत सारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है और अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एग्जीक्यूशन के ऊपर काम हो रहा है, यानी कि वो जो मुहायदे थे हुकूमत में दाखिल होने के और जिनके तहत एमक्यूएम को साथ शामिल किया गया था और उन्हें हमेशा हिमायत का ऐलान किया, और जो लोग बीच में शामिल थे वो तमाम ही तमाम इस वक्त एग्जीक्यूशन यानी कि वर्क प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह से जो इस वक्त दोबारा से एमक्यूएम ने एक ऐसे पॉइंट पे आके हाथ खींचा है, और फिर उसके बाद काफ लीग ने भी अपने पत्ते दिखा दिए, उसके बाद जीडीए ने भी अपने पत्ते दिखा दिए कि हमारे साथ ये हुआ है, तो जल्दी से इस मामले को यहाँ रोका जाए और फिर पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी के लिए एमक्यूएम की दोबारा मदद ली जाए। अब असल पॉइंट जो इस सारे गेम का है वो ये है कि अगर 8 चीज़ें हैं तो कहीं 2 चीज़ों पे एमक्यूएम ना मान ले, चलो यार 2 हो गई, 6 बाद में देखेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला राउंड बहुत डिफरेंट होगा। अगर अभी एमक्यूएम अपनी उन 8 चीज़ों में से 2 पे राजी हो गई, 6 उन्होंने अगले राउंड के लिए कर दी, तो आगे राउंड नहीं है, क्योंकि जब अब जो पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास होगा उसमें जो कानून साजी हो जाएगी तो वो बड़ी सॉलिड होगी, जिसके बाद तारीख पाकिस्तान की चेंज हो सकती है, तारीख चेंज हो जाएगी और उसके बाद सिनेरियो बहुत बदल सकता है, तब एमक्यूएम ने तय करना है। यही इसी जगह पे ये कड़ी जो है वो टूटी हुई है, एक एंगल इस सारे सिनेरियो का ये है। दूसरा एंगल ये है कि एमक्यूएम को थकाया जा रहा है, और उस पर भी एक इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं कि इनको थकाओ, और जब ये ज़्यादा चीखने लगे तो पुरानी फाइलें निकाल के ले आओ कि भाई ये करते रहते आप, तो अब ये है। अब इस सारे सीन के अंदर जो मोटी बात है और सबसे अहम बात है वो ये है कि एमक्यूएम के जो धड़े हैं उनके दरमियान मुलाकातें जो पहले मंजरेआम पर नहीं आती थी, अब वो चाहते हैं कि ज़्यादा मंजरेआम पे आएँ। वो लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर चले गए थे वो मुलाकातें कर रहे हैं, पॉजिटिव मुलाकातें मैसेज कन्वे कर रहे हैं, सूरत हाल बता रहे हैं, कराची में क्या हुई, अंदरूनी सिंध में क्या हुई, वफाक में उनकी ज़रूरत है, अब बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही है। और वाकई कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक एमक्यूएम से रहा है, और उनके वर्किंग स्टाइल में, उनकी गुफ्तगू में, उनके सारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान के मसाइल का हल निकल सकता है। वो कुछ ऐसी शख्सियात हैं एमक्यूएम के पास, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे होंगे क्योंकि नाम कहीं पर कोड हुए हैं, और तो वो शख्सियात और यहाँ शख्सियात और इस्लामाबाद की शख्सियात वो मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि पॉलिटिकली जो एमक्यूएम की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी फुलफिल किया जाए, और एमक्यूएम एक नए स्क्रिप्ट की तरफ, ये नया स्क्रिप्ट लिखा जा रहा है जो आइंदा इंतखाबात में, बल्दियात इंतखाबात में और वफाकी इंतखाबात जो होंगे, नेशनल असम्बली के और सूबे इंतखाबात, उस सारे के ऊपर एक डिज़ाइन किया जाए। और जो हुआ है 13 सालों में और खुसूसन इन चंद सालों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो बिल्कुल इग्नोर किया सिंध के शहरी इलाकों को, उनके ऊपर जो है वो एक सीन बनाने की कोशिश कर रही है एमक्यूएम। चौथी चीज़ जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है जिससे एमक्यूएम को डर भी लग रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्जीक्यूट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, सिंध हुकूमत कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो ये है कि ख़जाना जो है वो खोला जा रहा है और कराची में बड़े पैमाने पर सड़कों में, गलियों में डेवलपमेंट के काम, लाइटें लगना, सड़कें ठीक होना, स्पीड ब्रेकर ठीक होना, पार्क ठीक होना, इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब वो काम कर रहे हैं और बड़ी टीम के साथ वो काम करने के लिए आ रहे हैं, और काफ़ी फंड्स जो हैं वो उन्होंने सिंध हुकूमत और बहुत सारी बातें उन्होंने कर भी दी हैं, हो भी गई हैं, और वो बातें अब ग्राउंड पर आ रही हैं। तो अब अगर पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर और सिंध के शहरी इलाकों में बसें चला देती है, 13 साल से वादे करते आ रही है, और सड़कें ठीक कर देती है, कचरा उड़ जाता है, पार्क बन जाते हैं, पानी आना शुरू हो जाता है, पानी तो खैर वफाक का प्रोजेक्ट है लेकिन कुछ और ऐसी स्कीम्स लेकर आ रही है पीपल्स पार्टी, अगर वो करती है तो सिंध के लोगों के सामने वो लाइटें, सड़कें और पीपल्स पार्टी के झंडे शहर भर में नजर आना शुरू होंगे। एक तरफ एमक्यूएम अपनी
लाइन अप कर रही है अपनी चीज़ों को, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पैसा खर्च करने की तरफ जा रही है। कुछ सुना है कि लोकल और लोग जो हैं उनको स्पेशल असिस्टेंट मावन खसूसी जो है वो बनाया जाने का इम्कान है, जो कि मुर्तज़ा वहाब के साथ खड़े होकर काम करेंगे और मुराद अली शाह साहब और वो काम करेंगे। पीपल्स पार्टी में इस वक्त 3-4-5 टीमें बन गई हैं मुर्तज़ा के पास ज़्यादा पावर आने के बाद, उनके पास ज़्यादा फाइनेंशियल पावर आने के बाद भी। तो कुछ यहाँ के जो गुजरा हैं उनकी अलग टीमें बनी हैं, एक दूसरे को काट में लगे हुए बाकायदा तौर पर। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो सियासी एक उम्र होता है तो उसको मुर्तज़ा किस तरह डील करते हैं ये देखना है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर MQM के पास 8 मुतालबात में से 2 होते हैं, 3 होते हैं उसके ऊपर। MQM के ग्रोहों की जो मीटिंग्स हैं वो अब मंजर आम पर आ रही हैं, तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी आ रही हैं और बहुत सारी मुलाकातें रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं। साथ ही वो इदारे जो थे वो एग्जीक्यूशन प्लान तैयार कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए आ रही है, ये हो गया सारा सिंध और कराची की सूरत हाल। अब बड़ा गेम ये हो रहा है, PDM अपने सिस्टम के अंदर हवा भर रही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब कुछ इतिहादियों से उनकी टॉप लीडरशिप से 1-on-1 मिलकर उन मसले को हल करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें काफ लीग के कुछ मसाइल हैं जो पंजाब से मुतालिक हैं और कुछ मसाइल जो हैं वो GDA के हैं, जो पीर साहब पघारा और उनके भाई यूनुस साईं वो लीड कर रहे हैं इस मामले के अंदर, जो GDA के वादे कस्में थे। और फिर MQM के 2 वज़ीर हैं, एक तो MQM नहीं कहती हमारे वज़ीर हैं फ़ारूक नसीम को, लेकिन वो ज़्यादा पावरफुल हैं, वो बहुत सारे वज़रा से पावरफुल हैं। वो काबीना के अंदर 2-3 लोग हैं उनमें से एक हैं जिनकी बात को रद्द नहीं किया जाता सारे सिलसिले के अंदर, तो वो एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब इन चीज़ों को हल करने के लिए एक पैकेज का ऐलान, रिलीफ पैकेज जो है सियासी पार्टीज को जो दिया जाता है वो देने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं 2-3 दिनों के अंदर क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, लेकिन ये वो राउंड आ गया जिसमें कहते हैं ना कि वो इनिंग के आखिर के 5-6-8 ओवर जिसके अंदर खूब चक्के छौके लगाए जाते हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इस तरह से आ रही है और MQM भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना रही है और PTI भी ऐसी स्ट्रैटेजी बना रही है। लेकिन अगर ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो सारी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने और अपने आप को नए गेम के लिए तैयार करने के ऊपर तवज्जो दे रही हैं। कोई भी इस वक्त अच्छा नाम लिया जा रहा है महंगाई का, नाम लिया जा रहा है बेरोजगारी का, नाम लिया जा रहा है चीज़ों का, उन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस आपस के डायलॉग में नहीं कर रही है। नारा उठा के टेबल पे उसी पर आते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को हैंडल करने और उनको आगे ले जाने के लिए काम हो रहा है। देखते हैं MQM इस वाले राउंड के अंदर अगर फेल हो गई तो फिर क्या होगा, और अगर कामयाब हो गई तो कराची का मंजरनामा क्या हो सकता है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।